साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेपरेट टैंक का साइज क्या रहना चाहिए और अगर आप पत्थर से बांधना चाहते हैं या फिर जो आरसीसी से बनाना चाहते हैं तो आपको कितना एक साइज चाहिए। सो ये पूरा जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप नए चैनल पर यार सब्सक्राइब कर दो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ओके चलिए अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आता आपका स्टोन स्टोन का सेपरेट टैंक, यानी कि जो आप बनाते हैं सेपरेट टैंक जैसा पत्थर से बनाते हैं ना, वो वाला सेपरेट टैंक है। ये जो दूसरा देख रहे हैं ना आप, उसका साइड व्यू है। साइड में आपको कैसा दिखता है या फिर कट सेक्शन आप बोल सकते हैं। ये जो है, ये वाला जो है आरसीसी का सेपरेट टैंक। अब हम एक एक करके आपको पूरा डिटेल में विस्तार में बताते हैं। ये आपका टॉप व्यू, या था आपका साइड व्यू या फिर क्रॉस सेक्शन व्यू, या था टॉप व्यू स्टोन स्टोन सेपरेट टैंक का। अब बात करते हैं आरसीसी का। जैसे कि व्यूवर्स ये आप देख रहे हैं ना, आरसीसी का ये सेपरेट टैंक बना हुआ है। इसके अंदर देखो, ये वाला जो थिकनेस है ना, ये जो जहाँ पर मेरा एक एरो मार्क दिख रहा है, ये वाला जो थिकनेस है ये आता आपका 6 इंच का थिकनेस आता, या फिर 5 इंच आप कह सकते हो उसे। और टोटल लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना होना चाहिए। ओके ये जो यहाँ से एंड टू एंड आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आता था 11 फीट, इस तरह से ये वाला देख रहे हैं ना 11 फीट, ऐसा ये जो आता आपका 5 फीट तक, ठीक है 5 फीट। सो 11 बाय 5 फीट जो है ना, आउटर टू आउटर यहाँ पर लिया गया, और अंदर के अंदर ये मान लीजिए एक 6 इंच का थिकनेस है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखो, ये आता आपका 6 इंच का थिकनेस है। फिर उसके बाद ये एंड से लेके ये एंड तक 3 फीट, यहाँ पर आता है 3 फीट 6 इंच, और ये आता आपका 3 फीट का। सो पूरा ऐड करना, 3 प्लस 3 प्लस 3, 9 फीट 6 इंच हो गया। 9 फीट 6 इंच के अंदर ये जो बीच में जो आ रहा है देखिए, ये आता आपका पर्दा, यानी कि जो तीन 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 इंच का जो है पर्दा आता है जब गिलावा वाले जो है करते हैं इसका। सो अब नेक्स्ट आता है इनलेट कहाँ पे आना, आउटलेट कहाँ पे आना। सो अब कैसे, ये कौन सा तरफ से एक इनलेट दीजिएगा, यहाँ पर आ गया आपका इनलेट। फिर इसके नीचे ये जो रहता देखो, इसके नीचे थोड़ा सा गैप रहता, वो गैप से क्या है इसके अंदर आता है, ये 10 बाई 4 का जो देख रहे हैं ना आप, ये इनर की तरफ आता। फिर इसका जो हाइट है थोड़ा कम रहता, वो आपको अगले इमेज में पता चलता है। फिर यहाँ पर आके जो है आउटलेट हो जाता है, इधर कहीं पर ना कहीं एक आउटलेट आप दे सकते हैं। सो ये हुआ टॉप व्यू। सो 11 बाय 5 बाय 8 फीट का जो है आपका आरसीसी सेपरेट टैंक रहता है, जिसके अंदर कितना एमएम का रॉड यूज़ करना, 10 एमएम का जो है हॉरिजॉन्टल रॉड और 10 एमएम का वर्टिकल रॉड, या फिर 12 एमएम का जो है वर्टिकल रॉड यूज़ करना, 8 एमएम का जो है हॉरिजॉन्टल रॉड आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं दूसरे वाले का। जैसे कि यहाँ पर अब नीचे आ गए हम, इसमें आप क्लियरली पता चलता है आपको क्रॉस सेक्शन, ये आपका क्रॉस सेक्शन है जो स्लैब, टोटल हाइट कितना लेना, टोटल विड्थ कितना लेना। और अब देखो जैसा मैं बताया था, ये आपका इनलेट है, इनलेट और आउटलेट, ये जो है आउटलेट है, ये आपका इनलेट। इनलेट क्या है, थोड़ा ऊपर रहना, आउटलेट क्या है, थोड़ा नीचे रहना। क्यों बोलूँ, ऐसा रहता समझो, ये जो देख रहे हैं ना आपका, ये इनलेट रहता, आउटलेट जो है नीचे रहना चाहिए कभी भी, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप नीचे आ गया, इनलेट की तरफ नीचे आ गया, तो इधर जो है ना थोड़ा सा गैप रहना, थोड़ा हाइट पे आना, बिकॉज जो भी सॉलिड मटेरियल रहता वो तो इधर ही जमा होना, लिक्विड जो है इधर आता। फिर यहाँ से जो है ऊपर आना, ये पैक रहना उस वक्त, ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पैक रहना, फिर इसके अंदर नीचे गिर के फिर आउटलेट होना। तो इस तरह से, एंड टोटल हाइट जो है ना 7 फुट 6 इंच है, और ये ज़मीन के नीचे कितना होना बोले तो 4 फिट 5 फिट 6 इंच जो है ज़मीन के नीचे रहना, एंड 6 इंच का जो इनलेट आता आउटलेट भी 6 इंच। ये जो आपका छत रहता देखो, आरसीसी का छत, ये 6 इंच थिक आरसीसी स्लैब आता, और आउटलेट जो है ना 6 इंच का रहता। ये एंड से लेके यहाँ तक जो है ना 1 फुट 6 इंच यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से एक बनाई हुआ है सेपरेट टैंक का एक डिटेल्स, आप ज़्यादातर जो इमेज देख के भी आप पता कर ले सकते हैं, ठीक है साथियों। एंड आपको और एक मैं बताता हूँ, जैसा यहाँ पर नीचे देखिएगा, ये आता आपका आरसीसी से बना हुआ, आरसीसी नहीं, ये पत्थर से बना हुआ वॉल है। सो पत्थर में आप देख सकते हैं, ये 12 फुट 6 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद ये आता आपका 4 फीट विड्थ, सेम रहता है, बस इसका जो एक्स्ट्रा जो लेते देखो वो है, बट अगर आप एस्केवेट करना है तो थोड़ा ज़्यादा ही करना पड़ता है। क्यों बोले तो आपको हाथ वो सब मूवमेंट करने के लिए जगह चाहिए ना,
तो उसकी वजह से। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।